What is up guys, gaming करने का समय हो गया है। ओ निशाना मस्त है। ये देखो भाई क्या मस्त निशान लगा है। ये है अभी फ्रेश एकदम बढ़ाई से उतरा मसालेदार नया एक्सबॉक्स। ये वाला थोड़ा सस्ता वाला वेरिएंट है। एक्सबॉक्स ने दो वेरिएंट निकाले, सीरीज एक्स और सीरीज एस। मेरे हिसाब से बजट वाला काफी लोग लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि थोड़ा सस्ता आता है। अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बात बता दूं, कॉन्सोल जो है वो मोबाइल की तरह रोज रोज नहीं निकलते। 3-4 साल में एक बार एक कॉन्सोल निकाला जाता है, एक अपग्रेड निकाला जाता है और उसमें 3-4 साल की जितनी इंप्रूवमेंट सारी ऐसे भर के करी जाती है। तो उसी हिसाब से हम इसको जज करने की कोशिश करेंगे। गेम में खेलेंगे पढ़िया पर असली सच जान ले जाएगा। चलो फटाफट को डब्बे पे जैसा आप देख सकते हैं वाइट ब्लैक वाला पूरा कर रखे। कंट्रोलर में थोड़ी रंगीनियां है बट जैसा आपको दिख रहा पावर योर ड्रीम्स, सपनों में 4 चांद लगाने। बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा हूं। ये काले सफेद बॉक्स को रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कंट्रोलर। यहाँ पे है तारे पारे और पुस्तकें, इसको हम रखते हैं बिल्कुल इस साइड। इतना साइड नहीं करना था, हाथ से गिर गया यार, मैं गिरा नहीं रहा था। ये वाला नया कंट्रोलर है, इसमें बैक साइड में हल्का सा आपको एक ग्रिपी टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डबल ए बैटरी वाटरी लग जाती है बट इन हैंड अगर मैं फील की बात करूँ तो काफी सिमिलर सा ही फील हो रहा है इन कंपेरिजन टू जो पुराना वाला कंट्रोलर है। ये वाला वायर्ड वाला है और इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बैक साइड में कोई टेक्सचर नहीं था, इस साइड भी कोई टेक्सचर नहीं था बट जो बटन्स हैं वो काफी हद तक सेम से ही आपको फील होंगे, कुछ ऐसा खास फर्क नहीं देखने में। अभी बहुत कंफर्टेबल है, काफी हद तक ग्रिपी है। तो मैं खेला था तो काफी टाइम खेलो तो आप पसीने हल्के से आने लगते हैं, तो उसके लिए भी हल्का सा एक फायदा रहता है। पटड़ा, ये वाला है एक्सबॉक्स। फ्रंट में इसमें कुछ नहीं, यूएसबी का पोर्ट है और यहाँ पे एक बटन लगा रखा है। मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन दी, इसको ऐसे साइडवेज रखें या फिर ऐसे इसको सीधा खड़ा करके रखें। मेरे हिसाब से आप कैसे भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे ही ऐसे यहाँ पे ना रखने के बना रखें। बैक साइड में अगर आप देखो एक पावर वाला है स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए, दो यूएसबी नॉर्मल वाले हैं, एक ईथरनेट का और एक एचडीएमआई। मेरे हिसाब से एक यूएसबी सी का पोर्ट भी होता तो बहुत तगड़ा रहता, ताकि अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंशन करनी है या फिर कुछ और भी करना तो उसके लिए काफी आसानी रहती है। क्योंकि ये वाली जो स्टोरेज होती है बहुत ज्यादा महंगी आती है और इसमें 500 GB की स्टोरेज है, जो मेरे हिसाब से अगर गेम खेलने के लिए कोई मशीन चाहिए उसमें भाई स्टोरेज होनी चाहिए काफी तगड़ी। मैं इसको एक दो दिन से टेस्ट कर रहा हूँ और मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको लगा कि ये एक स्पीकर है क्योंकि इसकी ग्रिल भी ऐसी सी बनी हुई है, मतलब सारे वेंट्स उसके हिसाब से। साइज के मामले में डेफिनेटली काफी पोर्टेबल है और इस वाले में और जो महंगा वाला सीरीज एक्स है उसमें फर्क ये ऑफकोर्स पैसे का भी फर्क है बट इस वाले में 1/3 परफॉर्मेंस आती है। बट इसको इसी हिसाब से बनाया गया कि ये सारी गेम्स को एकदम तगड़ी सेटिंग्स पे सारी चीजें एकदम सेम एक्सबॉक्स सीरीज एक्स जैसा 1080p पे मस्त चलाता है, सीरीज एक्स 4K पे मस्त चलाता है। हमने 4K टीवी एकदम आपके लिए फर्स्ट क्लास रेडी कर लिया। अब थोड़ी गेम खेली जाए, थोड़ा आपको असली सच बताया जाए। इस वाले एक्सबॉक्स में जो रे ट्रेसिंग है, रे ट्रेसिंग मतलब जो रियल लाइफ में जैसे आपको चीजें देखने को मिलती है ना, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो जो झरना है उसमें पानी का टेक्सचर बहता हुआ वो काफी रियल सा लग रहा है। उसके बाद जो शैडोज होती है और फिर रिफ्लेक्शन आती हैं, आंख पे एकदम से लाइट पड़ती है तो काफी एक अलग से चकाचौंध सा हो जाता है ना, वो सारी चीजें वो सब आपको देखने के लिए मिलती हैं। और इस सीरीज एस वाले में भी आप काफी अच्छे से नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे जैसे बादल हैं, बारिश हो रही है और बिलबोर्ड पे रिफ्लेक्शन हैं और ये सारी चीजें, ये सब काफी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऐसा अगर आप देखो जो कांच टूटा हुआ है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन जो है वो काफी अच्छे से आ रही है। और ये है तो प्रेजेंट बट ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की देखने के लिए मिलेगी। ऑफकोर्स ये बजट वाले एक्सबॉक्स में डेफिनेटली हल्का सा क्वालिटी कम है। एक्सबॉक्स का ये बताया गया था कि भाई 1080p गेमिंग के लिए, बट अभी तक मैंने जितनी भी गेम्स चलाई हैं, फीफा भी है और बैटमैन भी है, जितनी भी है सारी मैंने 4K में ही चलाई हैं और 4K में मेरे को काफी तगड़ा गेम प्ले देखने के लिए मिला है। डेफिनेटली अगर आप थोड़ी देर के लिए खेलोगे ना तो ये हल्का सा गर्म सा हो जाता है, उसकी वजह से ना थोड़ा फ्रेम रेट हल्का सा कम हो जाता है और दिखता है वो। पर इस वाली गेम में भी जैसे कि आप देख सकते हो ये 4K ही गेम प्ले है और मेरा जो टीवी है ना एक 4K टीवी है और इस पे 30fps तक आप देख पाओगे, तो अगर ये 60fps में भी अगर गेम प्ले हो रहा है मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। और मैंने इस पे ज्यादातर इतनी भी गेम खेली वो सारी कैजुअल गेम्स थी, बैटमैन आर्कम नाइट खेली थी, UFC हमने काफी धमाक चौकड़ी मचाई। UFC भी अगर आप नोटिस करो ना तो इसके जैसे चेहरे पे पसीना आपको देखने के लिए मिलेगा। अंकल की देखो, अंकल काफी आंखें अस्ती सी लग रही हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, जो पसीने वसीने आ रहे हैं बैक साइड में और सारी चीजें, वो काफी हद तक रियलिस्टिक लगती हैं। और अगर मैं थोड़ा दूर से खींचू ना तो काफी हद तक रियली लगता है कि भाई एक्चुअल में कोई फाइट चल रही है। NFS हीट खेली, फीफा मैं कब तक खेलता हूँ और फीफा मतलब हाँ फुटबॉल देखते हैं थोड़ा वही खेला जाता है।
और रेजोल्यूशन भी अगर आप सेटिंग्स में आके चेक करोगे ना तो ये 4K पे ही चल रहा है। और एक चीज जो इस भाई में बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई जो बंदा गेम खेलता है वो काफी ज्यादा गेम खेलता है, पर इस वाले में जैसे कि आप देख सकते हो गेम में मेरे पास 8 ही है बट जो स्टोरेज है वो 93% भरी हुई है। मतलब मैं शायद एक गेम और इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो बहुत ही वियर्ड चीज है। अगर मैं कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करता हूँ तो कम से कम 15-20 गेम तो इंस्टॉल करूंगा ही, और बड़ी बड़ी गेम है जैसे GTA 5 वो तो 100 GB अकेली गेम ही ले लेती। तो डेफिनेटली भाई स्टोरेज में इसमें आपको दिक्कत होने वाली है। बट एक चीज मैं को मस्त है कि जो वायर्ड वाले कंट्रोलर होते हैं ना ये काफी सस्ते आते हैं, और ये आप 3 कनेक्ट कर सकते हो अपने एक्सबॉक्स में, और उसमें USB का पोर्ट है। थोड़ी स्पेक्स की भी बात कर ली जाए दोस्तों, इस वाले में आपको 8 कोर देखने के मिलते हैं, 10 GB DDR6 RAM है। एक ना बहुत छोटी सी चीज मैंने नोटिस करी, इसमें है 4K बट काफी मिक्सा रहता है, कुछ कुछ चीजें 4K में है कुछ कुछ 1080p में है। अगर आप ये गेम थोड़ा ध्यान से देखो ना आपको हल्की हल्की डॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली गेम ना एक्चुअल में 1440p पे चल रही है बट इसको अपस्केल करके 4K कर दिया गया। जैसे ये वाला पूरा बैनर है ये पूरी अच्छी क्लैरिटी में 4K में दिख रहा है, और ये वाले जैसे कट सीन्स है सारे 4K में ही। 120fps का भी ऑप्शन है, और जो एक्चुअल इसका GPU है वो 4 teraflops तक की परफॉर्मेंस दे पाता है, जो इस प्राइस पॉइंट में क्योंकि ये 34,000 का आपको देखने को मिलता है, तो अगर आप जाओगे एक्चुअल एक PC असेंबल करना तो ये उससे काफी कंपेरेबल परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो सीधी बात करिए लेना चाहिए कि नहीं। देखो PS5 भी आ रहा है, उसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा कंपेयर करके आपको बताएंगे, बट काफी सारी ऐसी गेम्स हैं जो ये बनाता है वो डेफिनेटली एक्सबॉक्स पे काफी तगड़ी चलती है, जैसे UFC है, FIFA है, और ये कॉम्पिटिटिव गेम्स जितनी हैं जो ये बनाता है ये काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको एक्सबॉक्स पे देती है, और ये PS5 से डेफिनेटली बेटर चलेंगे। बट अगर आप कोई ऐसी गेम खेलते हैं जो PS5 के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज है, जैसे GTA 5 है, उसके बाद और भी थोड़ी बहुत गेम है, तो आपको PS5 कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक PC बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली हल्की फुल्की बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट एक्सबॉक्स और PS5 इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है, आप एक बटन दबाओ सारी गेम चालू हो जाती है, सारी चीजें ऑप्टिमाइज्ड है, कंट्रोलर से चलाना रहता है, कोई कीबोर्ड माउस नहीं। बट ऑफकोर्स अगर आप कंपैरिजन करोगे प्योर ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक कंप्यूटर बेटर रहेगा अगर आप खुद असेंबल करते हो काफी मेहनत लगा के, बट ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कंसोल्स पे थोड़ी सी बेटर रहती है गेम्स की। कंपैरिजन करनी रहती है इसकी एक गेमिंग PC से भी और PS5 से भी, एक कंपैरिजन हमको करके देखनी पड़ेगी तब अच्छे से असली सच पता चलेगा। बट इस बजट में जो ये पूरा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है, और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा अगर आप गेमिंग करते हैं। इतना यार इस वाली वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में होता हूं। बाय।